स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में डॉक्टर्स ने लोगों को डेंगू को लेकर अलर्ट किया और सभी को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। भगवानपुर के आरएनआई इंटर कॉलेज में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने फीता काटकर किया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर प्रांजल ने बताया कि डेंगू के मच्छर के काटने के बाद लोगों को सांस फूलने, पेट फूलना आदि परेशानी होने लगती है, जिसके चलते लोगों को फौरन अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। अगर वो इन्फेक्टेड होता है उसके काटने से होती है, इसके काटने से के 3 से 4 दिन के बाद व्यक्ति को बुखार, शरीर में दर्द और ये सारे लक्षण पैदा होते हैं। अगर इसको सही समय पे अगर देख लिया जाए और इसका ठीक से उपचार किया जाए तो ज़्यादातर मरीज बिना किसी दिक्कत के या कॉम्प्लिकेशन के बाहर आ जाते हैं। पर अगर इसको एकदम से बिल्कुल आखिरी स्टेज में लाया जाए कि जब मरीज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जैसे सांस लेना, पेट ज़्यादा फूलना, तो तब अस्पताल में भर्ती करने और उसका जो डेंगू की बीमारी वो ज़्यादा बढ़ सकती है। महंत इंद्रेश देहरादून हॉस्पिटल के द्वारा आरएनआई इंटर कॉलेज में हमारे आह्वान पर, क्योंकि डेंगू भयंकर रूप ले रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, इस स्थिति को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी ग्राम पंचायत स्वास्थ्य महामारी यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। और इसमें बुखार, खांसी और डेंगू, चिकनगुनिया, इन बीमारियों के लिए विशेष रूप से आज जाँच, दवाएँ, उपचार इसका, और इसके लिए कैसे हम इससे बच सकते हैं, अगर हो जाए तो किस तरह से हमें कैसे सावधानियाँ रखनी है। मैं संदेश की टीम आई हुई है, ये सभी हमारे मेडिसिन से भी हैं और गाइनो भी हैं, सभी डॉक्टर आए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।